ये क्या अकबर, वली के निकाह पर आप खुशियां मनाने का सोच रहे हैं और मेरे बेटे की शादी पर मातम बिछा दिया था, आप जश्न मना रहे? हद होगी वैसे आपकी तो। तुम्हारी और मेरी सोच में यही फर्क है नरमीत बेगम। मैं जज्बाती होकर नहीं सोचता तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की तरह। और फिर दुनिया का दिखावा ही सही, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। मेरे सीने में आग भड़क रही है। और भाभी बेगम को देखो, उन्होंने वली के लिए एक आला खानदान की लड़की का इंतखाब किया और मेरे बेटे के लिए एक जाहिल गवार और गरीब खानदान की लड़की का। बिया तुम्हारे बेटे की च्वाइस थी, खुदा जैसी खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर वो खुद बिया के पीछे गया था। खुदा ने उसे छोड़ा था, इसमें वली का क्या कसूर है? और तुम अपने बेटे को गलत डिफेंड मत किया करो। आप अपने भतीजे के लिए सफाइयां पेश मत करें, आप ये क्यों भूल रहे हैं? वो एक आवारा बदचलन माँ का बेटा है, उसकी रगों में गंदा खून बहता है, उसका उठना बैठना उन्हीं लोगों में है। वो किसी लिहाज से भी किसी शरीफ लड़की का शौहर सूट नहीं करता। नरमीन, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही, मत भूलो कि वली मेरे भाई का बेटा है, उसकी रगों में भी इसी खानदान का खून है। बंद करो अब ये सब बातें, निकाह में भरपूर शिरकत करनी है तुम दोनों माँ बेटे ने, वहां 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 कोई तमाशा खड़ा ना कर देना। अकबर, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा बेटा आज इस हाल पर पहुंचा है। अपनी औलाद को छोड़कर आपने हमेशा वली को तरजीह दी है। एक दिन वो आपको ऐसा जख्म लगाएगा ना कि आप याद रखेंगे।